जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के रामपुर हाईवे मोलागढ़ के पास चोरों ने मुनीत किराना स्टोर के ताले तोड़कर की हजारों रुपए की चोरी। मामला मोलागढ़ का है, जहां पर लॉकडाउन के चलते लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए रामपुर रोड पर किराना स्टोर के ताले तोड़कर चोरों ने की हजारों रुपए की चोरी। दुकान स्वामी का कहना है कि हम लोग लॉकडाउन के चलते हुए अपने अपने घरों में कैद हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस से बचा जा सके। इसी बात को लेकर रात चोरों ने हमारी दुकान के ताले तोड़कर दुकान में रखा सामान व कुछ नकदी लेकर चोर मौके से फरार हो गए, जिसकी सूचना चौकीदार ने दुकान स्वामी को दी। मौके पर पहुंचे दुकान स्वामी ने देखा कि दुकान के ताले टूटे पड़े। ताले टूटे देखकर दुकान स्वामी के होश उड़ गए। आनन फानन में दुकान स्वामी ने पुलिस को फोन किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। कहा कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा और उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं दुकान स्वामी का कहना है कि सभी रूटों पर पुलिस के डर से सन्नाटा सा पड़ा है। इसी बात को लेकर चोरों ने मेरी दुकान के ताले तोड़कर हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चौकी इंचार्ज विनोद कुमार गोली ने बताया कि दुकान स्वामी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। मेरा नाम नदीम खान है साहब। मेरी दुकान मोलागढ़ पे NH 24 रामपुर रोड पर है, मुनीप ट्रेडर्स के नाम से जी। कल रात 3 से 4 के बीच में चोरों ने ताला तोड़कर मेरा 50 से 60 हज़ार रुपये का सामान चोरी करके ले गए, और ये जो है घटना काफ़ी चिंता की है, क्योंकि हाईवे पर ये घटना होना बहुत बड़ी बात है। पुलिस गश्त भी कर रही है, उसके बावजूद ये घटना हो जानी, और एक मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, जो कि मैं 3 से 4 बार जाके वापस आ गया, कि मुझे लॉकडाउन का पास दे दिया जाए, जो लॉकडाउन चल रहा है, ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं। जो सामान मेरे पास है, बिस्किट नमकीन ये वो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो लोगों को मुहैया करा सकूं, लेकिन मुझे पास अभी तक नहीं दिया गया। और मदद करने के बाद भी हम बग़ैर मदद यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर अब मुझे पास मिल जाए तो ये मेरी घटना भी नहीं होती, नुकसान भी नहीं होता अगर पास मिल गया होता। मेरा निवेदन है कि मुझे पास दे दिया जाए, ताकि मैं अपने सामान की खुद रक्षा कर सकूं। तो हाईवे पे बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, टायर पंचर की दुकानें हैं, हवा की, साइकिल की, इस तरह की घटना होना काफ़ी चिंता की बात है हाईवे पर। ये पुलिस के लिए भी एक चेतावनी है कि चोर जो हैं अभी तक डरे हुए नहीं हैं। हाईवे पर होना ये काफ़ी चिंता की बात है।